राम राम भाइयों, सुबह के बज रहे हैं 10 और हम घर से रहे निकल भाई, गाड़ी स्टार्ट कर दी है। हमने कहा थोड़ी देर स्टार्ट रहने दें ताकि मोबाइल वगैरह पूरे इंजन में पहुंच जाए, और अभी तो पेट्रोल चल रही है, फिर सीएनजी पे लगेगी, उसके बाद बैक करेंगे निकल चलेंगे। अभी गैरेज पे ही है भाई, ये देख लो भाई सुबह के बज रहे हैं 10। कल भाई 300 किलोमीटर गाड़ी चली थी, अभी देखो इसको जीरो करते हैं, कल की रीडिंग है ये। अब कल लिए जीरो भाई, इसकी सर्विसिंग वगैरह कल हो ही चुकी थी, सब कुछ एकदम झमाझम, गाड़ी एकदम चकाचक है, साफ सुथरी से एकदम। और हम भाई निकल जाए घर से, निकले भाई लेट इसलिए कल 10 तो बजी गए थे 10-11। उसके बाद जो है अभी सुबह प्रॉब्लम ये थी कि हमारे कानपुर में ओला में सर्वर की प्रॉब्लम थी, लॉगआउट मार दिया था, लॉगिन नहीं हो रहा था, ओटीपी नहीं जा रही थी भाई ऐप पे मोबाइल नंबर पे। बहुत देर बाद भाई अभी 10 मिनट पहले ओटीपी आई, लॉगिन हुए, लॉगिन होके अब निकलने वाले हैं भाई, 10 बज रहे हैं। अब यहाँ से निकल के चलेंगे अड्डे पे, कहीं सही जगह खड़े होंगे, अड्डे पे जाएंगे किसी दूसरी जगह जाएंगे। एक हमारा दोस्त, उसकी बुकिंग आ चुकी थी बमरौली में, बमरौली की यही आशा देवी मंदिर कल्याणपुर से, ऊबर की राइड थी, 14-15 से कुछ दिखा रहा था, तो टोल सहित 2000 में उसने डन कर लिया है। अब वो लेके जा रहा है, हम घर से निकलना बहुत लेट, देखते हैं हमें बुकिंग कितनी मिलती है। उधर मोहित भाई भी कल का आया हुआ है, उबर एक बजी थी सुबह लेकिन वो फर्जी थी, वो जा नहीं पाया भाई, अभी कानपुर में ही है, तो हो सकता है उससे भी मुलाकात हो। तो फिलहाल तो घर से निकलते हैं और देखते हैं आज का कैसा क्या काम है, जैसा भी काम होगा आप लोग बताएंगे, तो बने रहेगा हमारे इस ब्लॉग में। जो हमारे इस चैनल पर नए हमारे साथी भाई हों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे, कमेंट भी किया करें। नहीं नहीं, नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। ओके भाई, तो देर न करते हुए सीधा चलते हैं कहीं अच्छी जगह पे। हाँ तो भैया बता दें, आ चुके हैं लखनऊ में एयरपोर्ट पे। ये देखो जिस तरह के एयरपोर्ट के सामने का ग्राउंड का नजारा है, ये टर्मिनल 2 पे भाई छोड़ा है। इनकी भाई जो बुकिंग थी ड्रॉप लोकेशन, इन्होंने गलती से इंटरनेशनल एयरपोर्ट डाल रखा था और जाना इनको डोमेस्टिक पे था भाई। जब यहाँ आ गए तो बताना, हमने कहा सर सही लोकेशन डालते, हालांकि रास्ता यही है इंटरनेशनल भी जाने के लिए, उधर उस साइड से जाया जाता है। ये तो हमारा ओला पिकअप पॉइंट है, पिकअप एंड ड्रॉप दोनों यहीं से है, ओला और उबर दोनों का पिकअप एंड ड्रॉप यहीं पे है भाई। ये देखिए स्टेचू, हम लोग ज्यादातर कस्टमर भाई यहीं बुलाते हैं कि भैया ओला पिकअप पॉइंट पे आप आ जाइए, ताकि आसानी रहती है भाई पिकअप वगैरह करने में, जो कि ना हरा भरा एकदम बढ़िया सा हो गया है। ये कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है भाई। हाँ तो भाई बता दें, हमारा जो फेयर बना हुआ है वो हम आपको दिखा दें। ये देखो 1340 रुपए एक राइड। अब भाई देखते हैं इधर से हमको कहाँ की देता है और कितनी देर बाद देता है, क्योंकि हमारे दोस्त पंकज आए हुए थे भाई, आने के बाद उन्होंने बताया भाई 4 घंटे बाद बजी है, 7:30 बजे आ गए थे, अभी 1 बजे गए हैं। अब भाई जो बंदा 8 बजे आया हो, 1 बजे गया हो, तो समझ लो 4 से 5 घंटा उसने वेट किया है, तो भाई हमको भी समय लगेगा। तो अब आराम से सुबह में आया हुआ उसी के पास जाएंगे, आराम से बैठेंगे, गप्पे उप्पे हाकेंगे, जाके गप्पे उप्पे आराम से बातचीत करेंगे, और फिर जब राइड आएगी तो अपना अपना निकल लेंगे। अब सुबह हमसे पहले आया तो भाई उसकी पहले राइड भी उसी के पहले बजेगी, ऐसा है, जो जैसा आता है उसका वापसी भी ओला वैसे ही देता है। हम लेट आए थोड़ा सा तो हमको लेट देगा। अब भाई पंकज आया था, पंकज को मिल गई, वो चला गया, और हम लोग आए तो वही मतलब 4-5 एक बाद देगा। वैसे भी अभी तो फ्लाइट है नहीं भाई, अभी जब फ्लाइटें नहीं है भाई तो बजेगी कहाँ की, ये समझ लो, जब फ्लाइट आएगी तब कहीं ना कहीं बजेगी, और जहाँ की भी बजेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलते हैं फिर बाहर की तरफ, और बाहर कहीं सही जगह देख के लगाएंगे भाई। पार्किंग में जगह तो हम लोगों का पास तो बन नहीं पाया, अगर पास बन जाता तो बड़ी आसानी रही थी, हम लोग भी यहीं अंदर ही खड़ी कर देते। चलो फिर कोई बात नहीं। हाँ तो भाइयों आपसे बता दें, बुकिंग हमारी आ चुकी है ओला में, 3-4 राइडें पास करने कैंसिल करने के बाद भाई ये राइड आई है। वो हम खड़े थे एयरपोर्ट लखनऊ पे, हम उसी एयरपोर्ट लखनऊ में, लेकिन 12 किलोमीटर अंदर कंटोनमेंट के अंदर जो है जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है वहीं के पास से ही कहीं से पिकअप है, बस पहुंचने वाला हूँ, दूरी बची 1 किलोमीटर। तो अभी रेड सिग्नल पे खड़ा था, ये देखो ग्रीन हो गई भाई लाइट,
अब सीधा निकलते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँच के फिर बनाते हैं वीडियो। भाई भैया आ गए हैं वापस कानपुर में, ओला की राइड भाई मिल चुकी थी, पिकअप करने वाले सीधा लाए, नमस्ता ड्रॉप किए, उनसे पेमेंट वगैरह लिए, पेमेंट लेने के बाद फिर भाई वहीं से एक राइड बची थी जो कि जेके टेम्पल के पास छोड़ा है। अब जेके टेम्पल से खाली जा रहे हैं क्योंकि राहुल भाई हमारा वेट कर रहा है चिड़ियाघर पे। वो इसलिए वेट कर रहा है भाई क्योंकि उसकी गाड़ी की बैटरी हमने लगा रखी है, और जो बैटरी वाले भैया हैं उनका फोन आया था दोपहर में कि भैया आपकी बैटरी आ गई है, आप लेके जा लगवा लीजिएगा आके। हम थे लखनऊ में, राइड भाई समय से मिली नहीं, वहाँ वेट 4 से 5 घंटे करने पड़े भाई, उसके बाद राइड बजी तो लेके आए। अब हो गई रात तो राहुल बोला हमें कल बैटरी चाहिए, तो हमने बोला बैटरी तो हमारी आ चुकी है भाई, उसको सलाह थी कि जाके हमारी बात कराना दुकानदार से, दुकानदार तुम्हें बैटरी दे देगा, ला के अपने पास रख लो। तो भाई वही उसने किया, ला के रख लिया है। अब जाएंगे उससे उसके पास, बैटरी अपनी गाड़ी में रखेंगे, वो अपनी बाइक से अपने घर पहुंचेगा, हम भी उससे घर पहुंच जाएंगे, अपनी नई वाली बैटरी हम गाड़ी में रख लेंगे, लगा लेंगे मतलब, और अपनी गाड़ी में जो लगी हुई है राहुल की बैटरी वो निकाल के राहुल की गाड़ी में निकाल लगा देंगे भाई, क्योंकि कल उसे है कहीं जाना, तो रात में ही सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि भाई सुबह डिवाइस ऑन कर देंगे, ड्यूटी ऑन हो जाएंगे, राइड उड़ा गई तो अपना लेके चले भी जाएंगे। तो आज का काम तो खैर सही हो गया है, अब सीधा चलते हैं राहुल के पास में और फिर अर्निंग वगैरह सारा कुछ बताते हैं। कुल मिला के 3 राइडें हुई है, और 2 आउटेशन है और 1 लोकल की है छोटी सी, तो कुल मिला के काम हमारा सही हो गया है, लेकिन कितने का हुआ है ये सारी डिटेल बस कुछ देर बाद बताते हैं आपको। अब यहीं से भाई मुड़ना है अपने को, ये देखो स्वरूप नगर, यहीं से मुड़ लेते हैं, आरएल हॉस्पिटल का ये मेट्रो स्टेशन है। अपनी गाड़ी की ये देखो भाई लाइट है, कल जब मेरा भाई देखो वाइट कलर है, आ रहा है, आ रहा थ्रू, सबकी पीली लेकिन अपनी वाइट है, वो बढ़िया रोशनी भी पड़ गई है। अभी अंधेरे में चलेंगे तो भाई दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ यार क्या ही अंधेरा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सिटी है और सिटी में तो लाइटें इतनी जलती हैं, लेकिन फिर भी देख लो भाई मस्त लाइट का थ्रू आ रहा, देख लो ओहो इतनी गाड़ियाँ हैं यार। अब देखो भाई ध्यान से ये देखो, हमें तो भाई अच्छी लगी, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बल्ब वही है, हमने वायरिंग वायरिंग नहीं कराया क्योंकि बोला था और भी आपका जो है लाइट बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए रिले लगाना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा, वायर वगैरह, तो हमने कहा भैया रहें तो हमारी गाड़ी में ये सब ना करो यार, क्योंकि अभी गाड़ी है वारंटी में, वारंटी लेने जाएंगे तो बोलेंगे ये तार कटवा दिया, ये करवा दिया, वो कटवा दिया, 50 तरीके का बहाना बनाएंगे, तो भाई हम उन सब चीज़ों से दूर हैं, सिर्फ बल्ब लगा लिए हैं LED वाले उसी होल्डर में जो हमारे पुराने वाले कंपनी फिटिंग थे। तो ठीक है, बोले अपने रख लिए हैं गाड़ी में, गाड़ी में क्या घर में रख दिए हैं, जब कभी फ्यूज होंगे तो इमरजेंसी वही अपने काम आएंगे। ठीक है, ये आ गया गैस्ट्रो लीवर अपना, अब यही सीधे चलते हैं घर की तरफ। आज आपकी भाई हमारी अर्निंग ये हुई है देखो, 3 राइडों में 2915 रुपया ड्यूटी ऑफ कर दिए हैं भाई। अब 2915 रुपए में हम 2000 रुपए निकाल लेते हैं बचत के, और 915 रुपए रख लेते हैं खर्चे के, जो कि CNG वगैरह काम आएगी, पान मसाला मतलब सॉरी चाय नाश्ता के लिए और CNG के लिए। समझ रहे हो आप? टोल का हमें अलग से मिलता ही है, ओला उबर में सारा कुछ अलग से ही होता है, ऑपरेटर में ऐड नहीं होता है, तो 2000 रुपए आज बचत हुई कुल मिला के आज की, सही है। और ये भाई अपना राहुल का बंगला, अपना यहीं पे वो जॉब करता है, चलो खैर रात में दिख नहीं रहा, चिड़ियाघर के गेट के ठीक सामने, अभी फोन कर रहे थे उठा नहीं रहा था, फिर उसका कॉल आया कि भाई आ जाओ, मैं चला गया तो वहाँ पे थोड़ा जहाँ पे वो खड़ा होता है उसका गड्ढा है चिड़ियाघर के पास में ही, तो देखते कितनी देर आता है, आता है फिर बैटरी वगैरह आपको दिखाते हैं बताते हैं आपको। ये देखो भैया बैटरी आ गई है, आ गई बैटरी, हम ये कह रहे थे ये बैटरी तुम ले लेते, इसमें लगी रहने देते, तुमको नहीं मिल जाती तो वही तो हम कह रहे हैं, वही ले जाओ ले जाओ, तुम ले जाओ, अगर तुम्हें ले जाना हो तो तुम यही लेते जाओ, वारंटी कार्ड दिखा देना इसके अंदर होगा, निकालो वारंटी कार्ड, सही दिया है नहीं दिया है, हाँ बस बस ये ऊपर है, ऊपर निकालो देखना, ये कहाँ लिख दिए सिंह,
वो इसलिए लिख दिया है कि ये हमारे ही है, खाली बैटरी नंबर इन्होंने लगा दिया है ये, और बकाया ये हमारा पहले वाला है। 26/7/2022 को खरीदा था, परचेज डेट वही पड़ी हुई है, बस खाली ये लेबल लगा दिया बैटरी का, बकाया सेम वही है। तो ठीक है भाई, अपने वारंटी कार्ड अपना यहाँ रख देते हैं, बैठा ले गाड़ी, यहीं खड़ी जाएगी ना तुम्हारी। तो भाई आज हम दोनों भाई जाएंगे अपनी गाड़ी, जहर वाला बढ़िया नहीं है ना। हाँ नहीं है, उसका पुरानी है का। ठीक है, अरे वाह रे वाह, नई बैटरी है भैया, ये अच्छी बात है भाई, खुशखबरी वाली बात है भाई कि बैटरी हमको नई मिल गई। ये राहुल ही उठाने गया था, हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं था, और कल पड़ रहा था संडे, पता नहीं हो सकता कल पहुंचे, उसकी शॉप ही बंद हो, उठा लाया, इसका भी कल काम है, वो बैटरी इसको भी चाहिए थी, तो हमने कहा चलो अब आ गई है तो उठा लो भाई। तो ठीक है भाई, हम लोग जा रहे सीधा घर, बैटरी लगाएंगे, राहुल भाई को ये चाहिए तो ये ले जाए, या अपनी लेना चाहे तो अपनी गाड़ी से निकाल उसको दे दे, अपनी ये नई वाली हम लगा लेंगे। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओके बाय, व्यस्त रहें, मस्त रहें।